अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि जो मोहब्बत नारेगांव की आवाम ने हमेशा से मजलिस के साथ उठाई है वो आज भी देख सकते हैं, वही मोहब्बत है, वही जोश है और इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि 20 तारीख के दिन ये लोग घरों के बाहर निकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब करेंगे। और कल पूरे उलमाओं की मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अब उनका जो भी फैसला होता है हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो क्या फैसला करते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, जरंगे पाटिल साहब और अम्बेडकरी समाज के जो लीडर्स की कल जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फैसला हुआ है, चूंकि वो उनकी मीटिंग थी, अब वो बाहर आने के बाद हमें भी पता चलेगा, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुस्लिम और दलित का समीकरण दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, एक अच्छी कोशिश मेरे हिसाब से, एक अच्छी पहल की जा रही है, तो यकीनन इसका कहीं ना कहीं एक बदलाव देखने को मिलेगा। उलमा महाविकास आघाड़ी को मदद करने की अपील कर रहे हैं। देखिए, ये उनके ऊपर है, उनकी जो भी सोच है, किस हिसाब से है, यकीनन वो अपने हिसाब से जो भी फैसला करेंगे उसमें हमें पूरा साथ देंगे। संजय राउत ने स्टेटमेंट किया है कि हम बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, हमारा राजकीय मतभेद है और इस आधार के ऊपर उलमा महाविकास आघाड़ी को मदद करने की अपील कर रहे हैं, तो ये एंगल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी दोस्त है या दुश्मन है मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी कट्टर, हम उनके दुश्मन है, इसमें कोई साधन नहीं। 5 तारीख के दिन इंशाल्लाह आम खास मैदान के ऊपर सरों का समंदर देखिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह आज नारेगांव इलाके में ये पैदल दौरा है और देख सकते हैं आप आवाम की जो मोहब्बत पिछले 10 सालों से जो लगातार नारेगांव की आवाम हमारे साथ खड़ी हुई है, वही जोश, वही जज्बा और वही मोहब्बत आज भी देखने को मिल रही है। मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह 20 तारीख के दिन जब इलेक्शन का दिन होगा तो पूरी आवाम निकल कर वोट डालेगी और 23 तारीख के दिन इंशाल्लाह नारेगांव के अंदर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाएगा। यहाँ की जनता ने ये भी कहा है कि पिछले 5 साल में यहाँ का एमएलए अभी तक यहाँ ठाक करने देंगे। देखिए, नारेगांव बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ा इलाका है और मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारी गलियों में अगर जाएंगे तो वहाँ पर मेरा बोर्ड देखेंगे। मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एमपी फंड में से बहुत पैसा लगाकर काम करा था, 11 रोड जो बड़े बड़े रोड है वो बनाए थे, लेकिन इलाका इतना बड़ा है कि मेरे हिसाब से बहुत काम अब भी करना बाकी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया दोबारा चुनकर आए तो नारेगांव जैसी बस्ती जहां पर लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप पे इतना यकीन करते हैं, इंशाल्लाह उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे।